Wonderful. Okay, I'll just start. Hi guys, this is my show, The Legit Talks, and I'm Dr. Zui here, the hostess. Okay, so another session today. You know, so the best part of it is happening in this way, like I'm getting authors, writers. So it's the most best thing. And I'm so happy that I'm getting to, you know, get into their stories just like this, asking very normal questions, very basic questions, and very much resembling, their instances in this, like when they will be talking to us, they will be telling what have happened in their life and how they were inspired to do all of those things and how they have become what they are today. So the show is really lucky to have you guys like as viewers. It's awesome, awesome, awesome. Thank you so much for this. This is a huge, huge, huge support from your side. I just love this. Okay, so I'm going to talk with Tanisha today. She's a singer, she's an author, she's a good writer, and she's into her studies also. I have already posted some introductory part of her and some beautiful successes and about her YouTube page, everything. But today we are going to go a little deeper in her journey and come to know how she has become this amazing singer and amazing author. And her three books are already out. We are going to talk about that also. So I'm going to connect her right now and let's know the unknown, guys. Hi, finally we are तो मेरी here वॉइस on आ the रही है? show. Awesome. ओके Yes, very आई एम यूजिंग much बट clear. अनदर वन You're not using anything? Okay, okay. तो इतना तो यार चलता ही है, that is fine. Okay. तो क्या है तनीषा की जर्नी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में काफी टाइम से, क्योंकि हमने बहुत बातें की है. उसमें हम पता चला है कि यार बहुत सारी चीजें कर रखी है तुमने. मैं बहुत थोड़े से क्वेश्चंस बनाने में मुझे और 3-4 दिन लग गए, बट ठीक है, मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंची हूँ जैसे मुझे लग रहा है कि अभी मेरे सारे क्वेश्चन जस्टिफाई जरूर करेंगे तुम्हारे जो भी आंसर्स निकलेंगे उसमें से. तुम्हारी जर्नी जो लोग कनेक्ट कर सके हैं, जिससे वो सीख सके और वो अपने लाइफ में अप्लाई कर सके. तो चलो, बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ एंड दे डोंट नो अबाउट यू. लाइक 21 इयर्स की स्टोरी एक बार में बताना तो थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आई कैन टेल यू कि मैंने जर्नी स्टार्ट हुई थी एमपी के एक छोटे से टाउन से, जहां पे मैं एक एमपी बोर्ड स्कूल में पढ़ती थी और एवरेज से भी लो लेवल का जो स्टूडेंट होता है मैं वो थी, बिकॉज बस मस्ती करना मेरा फेवरेट काम था. सो धीरे धीरे जब मैं मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड तक पहुंची तो मुझे लगा कि मेरा आईक्यू लेवल अभी बहुत लो है, एंड लाइक क्लास में कोई रैंक ना होना, पता ना होना कि तनीषा कौन है, ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग हो जाता था. एंड फॉर पेरेंट टू वो थोड़ा अजीब होता था कि जस्ट कंप्लेन्स के लिए बुलाए जा रहे. सो मेरा फिर बीच में जब मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करती हूँ, सडनली मेरा हेल्थ इश्यू हुआ मेजर लेवल पे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी और डिप्रेस्ड हो गई कि लाइक जब मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाना है एंड सडनली दिस हैपेंड. सो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया एंड दे सेड कि नो, अभी आप गिव अप नहीं कर सकते, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी आपके पास बहुत चांसेस हैं, आप आगे कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. तो फिर मैंने अपने नानी के घर शिफ्ट किया एंड नानी के घर पर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. मेरे छोटे मामू एंड मेरी मासी एंड मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स सबने मेरा आईक्यू लेवल बिल्ड करने में मदद की, और मुझे सबसे ज्यादा फियर था पब्लिक का एंड स्टेज का. सो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मासी ने मुझे इतना बार समझाया है अकेले बिठा के कि पब्लिक को तुम्हें जज करना है करने दो, तुम अपना बेस्ट करो, तुम डरो मत, बस ऐसे ही सीखोगे. तो मैंने खुद का मतलब वो हेजिटेशन लेवल थोड़ा खत्म किया एंड पब्लिकली बोलना थोड़ा शुरू किया. मैंने डांसिंग सीखी, मैंने एकेडमी में परफॉर्म किया, मैंने ट्रॉफीज जीतियां डांसिंग में भी, सिंगिंग में भी, एंड बहुत सारी चीजें मैंने खुद करके सीखी है.
देन मैंने एमपी बोर्ड से वाह स्विच किया सीबीएसई में, बिकॉज मुझे ये लगा कि एमपी बोर्ड ने आईक्यू बढ़ा लिया है, अब थोड़ा हाई लेवल जाना ओके चाहिए, खुद को चैलेंज करना चाहिए। देन सीबीएसई में मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा अभी भी मैं बहुत कुछ नहीं सीख पा रही थी, एंड फिर मैंने खुद चीजों को ऑब्जर्व करना सीखा, एंड देन आज मैं एक राइटर हूँ, क्योंकि मैंने जो लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस किया है उससे मैंने एक पोइट्री में एंड शायरी में लिखना सीखा, खुद को एक्सप्रेस करना सीखा। देन आई गॉट अ चांस कि जिसको पब्लिक फियर है, स्टेज फियर है, वो एंकरिंग भी कर सकती है। देन मैंने स्टेज शो पर जाके एंकरिंग भी किया, सिंगिंग भी किया, एंड देन उसके बाद मुझे फैमिली ने थोड़ा सपोर्ट किया तो मैंने सिंगिंग में भी एंटर किया, बिकॉज मुझे हमेशा से गाने सुनने का शौक था। तो मैंने धीरे धीरे गाना शुरू किया, स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज थे वो आगे मैं बताऊंगी। बहुत प्रॉब्लम्स आए, बट हाँ, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने ही मुझे ऑलराउंडर बनने में मदद की है, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया है। वाह ये जर्नी ऑलरेडी बहुत एम्पावरिंग है यार. आई मीन बचपन में जो भी चीजें होती है उस टाइम पे हमारा जो रिएक्शन होता है उससे पता चलता है कि हम में कितनी हिम्मत है, हम लोग रियलिटी कैसे फेस कर सकते हैं, एंड अगर कुछ होता है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं. तो तुम में ऑलरेडी वो क्वालिटी थी, ठीक है. बाकी लोगों ने जो तुमको पुश दिया है उसके वजह से बहुत अच्छा हुआ है. जो भी हुआ है वो नहीं होते तो शायद तुम जहां तक अभी यहां तक पहुंची हो वहां से थोड़ा लेट पहुंचते, लेकिन पहुंचती. अभी ऑथर जर्नी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जब तुम वो चीजें करने जा रही थी कैसे फील होता था उस टाइम पे, जब तुम फेलियर्स फेस कर रही थी बार बार, जब तुम्हें वो डाउन्स मिल रहे एक्चुअली थे, लोज मिल जब रहे थे, मैं तब कैसा छोटी फील हो थी रहा तब था? से ही मुझे, मतलब मैं बहुत इमोशनल रही हूँ उस टाइम से ही, तो लाइक मुझे कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता था तो वो चीज मेरे माइंड में 24 घंटे चलती रहती थी। लाइक आई एम अ बिगेस्ट ओवर थिंकर इन माई हाउस, उसकी वजह से लाइक पेरेंट्स ने कुछ कह दिया या घर में कंपैरिजन कर दिया कजिन्स के साथ, तो वो चीजें करते वक्त ये लगता था कि अगर ये खराब हो गया आज, जो मैंने कोशिश की, अगर ये बेकार हो गई तो शायद उन्हें और चांसेस मिल जाएंगे मुझे बुली करने के लिए, मुझे और कॉम्प्लीमेंट करने की जगह वो कंपैरिजन करने लगेंगे। बट स्टिल ये लगा रिस्क नहीं लेंगे तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो मुश्किल होता था, एंजाइटी होती थी, हाथ ऐसे ऐसे कांप जाते थे मेरे, एंड बहुत प्रॉब्लम होती थी। लाइक कभी कभी लगता था कि कहीं परफॉर्म करते करते मुझे चक्कर ही ना आ जाए, इतना ज्यादा फियर था। लेकिन ठीक है, मैंने खुद को बहुत, मतलब वो बोला कि जज करने दो, बोलने दो जो बोलना है, अगर मैंने बेस्ट कर दिया ना तो ये जो आज मुझे कंपेयर कर रहे हैं, कल को जब ये कॉम्प्लीमेंट देंगे ना तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, और वो लेने के लिए मैंने बस कर दिया जो करना चाहिए, सही लगा मेरे को। वाह यार इतनी हिम्मत तो तभी से ही थी तुम में यार. बस कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स आना जरूरी था जो तुम्हें सिखाए कि हाँ ये अभी करना जरूरी है, ये अब करोगे तो शायद कुछ अच्छा हो पाएगा. तो दैट इज लाइक खुद की जर्नी से सीखने का यही मतलब होता है आई गेस, है ना, जो तुम करते हो. तो ऑथर्स हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा. जो तुमने तीन बुक्स ऑलरेडी रिलीज कर दी है बाहर, है ना, वो मेरे को वो सुन के ही, वो पढ़ के ही मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ हूँ. यहाँ इतनी सारी चीजें हैं मेरे मन में, मुझे भी कहीं ना कहीं से रिलीज करनी है, मैं कैसे करूं. और एक जरिया है बुक्स. तो जैसे तुमने तुम्हारे हिसाब से वो बुक्स में लिखा है और बाहर लोगों ने पढ़ी है वो चीजें, उनको कहीं ना कहीं से सीखने मिल रहा होगा. तो ये तीनों बुक्स के बारे में बताओ, क्या क्या है उनका ब्रीफ स्टोरी क्या है, और उसके पीछे तुमने कैसी मेहनत बुक्स लगाई, के कैसे जो हुआ ये सब? मतलब जर्नी है बुक्स पब्लिश करने की, इसमें मेरी स्टार्टिंग एक बहुत स्मॉल पे से हुई थी कि मैं पोस्ट कर देती थी, स्टेटस लगा देती थी अपनी शायरी की, तो मेरे अंकल ने एंड मेरे फ्रेंड्स ने ये बोला कि अगर तुम लिखती हो तो इसे बुक्स तक पहुंचाओ ना, क्योंकि राइटर्स भी तो कभी लिखा करते होंगे स्टेटस पे या कागजों पे, फिर उनने बुक पे लाया होगा, तो तुम भी ट्राई करो, हम पढ़ेंगे।
तो फिर मुझे मेरे अंकल ने आइडिया दिया कि पब्लिकेशन से कनेक्ट करो, वहां पे बहुत से चांसेस होंगे, छोटे लेवल पे करना है, छोटे पे भी मिलेगा, बड़े पे भी मिलेगा, बस ट्राई करो, अप्रोच करो। तो एक राइटर थी रितिका, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बुक है बेटियां, उसमें अपनी एक पोइट्री दे दो। हम बहुत सारे राइटर्स के संग मिलके एक थीम पे वर्क कर रहे हैं, तो उनका ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने खुद भी एक बुक लॉन्च करने का सोचा है, स्कूल ऑफ लाइफ, जिसका लोगों ने सोचा कि मैंने स्कूल लाइफ डिफाइन किया होगा उस बुक में, जबकि उसका मतलब ये था कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ स्कूल वेयर यू कैन लर्न मैनी थिंग्स। एंड वही तो लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, उनसे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीख सकते हो। तो मैंने कई राइटर्स को कलेक्ट करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज पे शेयर किए थे। उसमें 35 राइटर्स थे एंड सबने अपनी अपनी लाइफ से एक एक लेसन शेयर किया था। मैंने भी किया था उसमें, दो तीन पोएट्रीज मैंने भी उसमें दी थी एंड वो बुक सबको बहुत पसंद आई थी। देन उसके बाद मुझे लगा जब लोगों को मेरी दो तीन पोएट्रीज इतनी पसंद आ रही है, मेरा आइडिया पसंद आ रहा है, तो क्यों ना कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज लॉन्च किया जाए। देन मैंने लॉन्च की मेरी बुक लुक इन माई माइंड। सो उस बुक में बेसिकली मैंने अपने जो 11th से कलेक्शन था मेरा पोइट्रीज का, वो मैंने पूरा अपने 3-4 साल का कलेक्शन एक साथ उसमें फिट किया एंड सबके सामने रख दिया कि लीजिए पढ़ लीजिए मेरे ख्याल और देखते हैं मेरे ख्याल मिलते हैं नहीं। तो लोगों को मेरे सोचने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफरेंट लगी। कई लोग थोड़ा अगेंस्ट में भी बोले कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, बट उनसे कई ज्यादा ऐसे थे जिन्होंने अपनी थिंकिंग को मेरे साथ सपोर्ट किया कि हाँ भाई पॉइंट बहुत सही है एंड इस एज में ये सब सोच लेना थोड़ा डिफरेंट है। देन मेरे कुछ रीडर्स ने मुझसे कहा कि आप पोइट्रीज लिख रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छा लिखते हो, आप थोड़ा स्टोरीज लिखो, क्योंकि मेरी जो रोमांटिक शायरियां थी वो लोगों को लगता था कि वो एक स्टोरी का पार्ट भी बन सकती है। तो मैंने अभी रिसेंटली थर्ड बुक लॉन्च की थी, लव लाफ लॉस्ट, जिसमें प्यार क्या होता है वो भी है एंड प्यार के साथ आप जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हो वो चीज भी उसमें थी। एंड जब कोई हमारा खास इंसान खो जाता है तो कैसा महसूस होता है वो एहसास भी उस किताब में है। सो वो बुक, स्टोरी बुक का एक्सपीरियंस मेरा सबसे ज्यादा बड़ा स्टेप था, क्योंकि मैंने कभी कोई स्टोरी नहीं लिखी थी एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी जो मैंने वर्ड टू वर्ड बहुत फील करके लिखी थी। एक एक कैरेक्टर को बहुत सोच के नाम दिया गया था एंड दिस इज द बुक। एंड जब ये कवर मैंने डिजाइन किया था खुद, क्योंकि मुझे इसका इमोशन एक्सप्रेस करना था कवर से, सो इसलिए ये बुक लॉन्च करना सबसे बड़ा पार्ट था, क्योंकि स्टोरी कभी ना लिखी हो फिर अचानक से एक स्टोरी लॉन्च करना बहुत बड़ा स्टेप है राइटर के लिए। तो आई होप लोगों को पसंद आए स्टोरी। सी, जैसे कि तुम्हारी राइटअप बहुत लोगों को पसंद आ रही है, तो उनके कुछ ना कुछ फीडबैक मिले होंगे तुमको। फीडबैक्स तो भाई जो पास के लोगों ने, उन्होंने तो अच्छा ही दिया होगा, बट ऐसे कोई फीडबैक्स मिले जो काफी डिफरेंट थे, काफी ऐसे लगे कि यार दिस इज शॉकिंग एंड दिस इज समथिंग वाओ, कुछ ऐसा कोई राइटर्स हैं जो फीडबैक? खुद नॉवेल्स लिखते हैं, लाइक नॉवेल्स लिखना बहुत बड़ा लेवल है एक राइटिंग फील्ड में, एंड वो तो मतलब वो एक चीज डिफाइन करते हैं। तो उनके भी फीडबैक मुझे सामने से आए हैं कि एज अ स्टार्टर एंड एज अ न्यू राइटर स्टोरी लिखना, वो भी इतना एक्सप्रेस करके, वो भी इस एज में बड़ा टास्क है। एंड उन्होंने कहा कि यस, उन्हें लगता है कि मुझ में वो कैपेबिलिटी है कि मैं भी उनकी तरह नॉवेल में लिख सकती हूँ। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था कि लाइक मैंने तो एक छोटी सी बुक निकाली, एक छोटी सी स्टोरी निकाली, बट एक नॉवेल लिखने वाला पर्सन आके मुझे ये बात बोल रहा है कि आई कैन ऑल्सो बी लाइक देम। सो बहुत मोटिवेटिंग था एंड ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड लगा कि हाँ ये स्टोरी लिखना बहुत सही डिसीजन था। एंड जल्द ही सोचा है मैंने कि मैं थोड़ा क्रिमिनल वे में जाके, बिकॉज आई एम अ लॉ स्टूडेंट, तो एक क्रिमिनल स्टोरी एज अ नॉवेल
मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्द ही लिखूंगी एंड मैं लॉन्च जरूर करूंगी। आई होप कि जिन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया था उन्हें वो बुक भी पसंद आए एंड और भी लोगों के फीडबैक आते रहे हो, बस मोटिवेशन मिलेगा तो और आगे जाएंगे। वो तो जान नहीं यार, तुम्हारे पास इतना सारा मोटिवेशन है, तुम्हारे पास पहली बात तो नॉलेज बहुत आ रहा है अभी एट द एज ऑफ जस्ट 21 ईयर्स। यू ऑलमोस्ट एक्सप्लोर्ड, तुमने सब वो चीजें देखने का सोचा और किया भी, देखा भी, उसको एक्सपीरियंस भी किया और उसको अपने बुक्स में भी डाल दिया। तो तुम पीछे नहीं हो, तुम बहुत इस चीज में आगे ऑलरेडी जा चुके हो। तो तुमको इस चीज में रोकना और पीछे लेके जाना रुकना बहुत बड़ा पीछे टास्क होगा, कोई कर ही नहीं पाएगा। ओके तो हाँ, रुकना वैसे भी नहीं चाहिए, कोई कारण ही नहीं है रुकने का। जैसे कोई पहले स्टेप कोई भी बच्चा करता है अपनी यंग एज में, उसको पता चलता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मेरे लिए है, तो तुम्हें कब पता चला एक्चुअली कि राइटिंग ही तुम्हारे पास पैशन में का है? तो ऐसा है कि मेरा कुछ कंफर्म कभी राय नहीं है। लाइक पहले मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं डांसिंग को लेके बहुत सीरियस हूँ एंड मैं डांसिंग में ही जाना चाहूंगी और शायद मैं जिद पर लग जाऊंगी कि मुझे डांस करना है। लाइक मेरे कोरियोग्राफर थे, उन्होंने भी मुझसे बोला कि चलते हैं ऑडिशन दे के आते हैं। तब मुझे लगा कि डांसिंग मेरी लाइफ में सिर्फ इतना रोल प्ले कर रहा है अभी फिलहाल में कि मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ या फिर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग फेज में होती हूँ तब मुझे डांस पसंद आता है। ठीक है, तो मैंने उस वक्त डांसिंग को सिर्फ एज अ हॉबी अपने पास अच्छा रखा। देन मुझे पता चला मुझे गाने का बहुत शौक है एंड गाना एक ऐसी चीज है जो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो जब मैं गाना गाती थी तो मुझे उनके वर्ड्स ऐसे लगते थे यार कभी ना कभी किसी ने तो लिखे होंगे एंड जब वो लिख सकते हैं और मैं इन चीजों को फील कर पा रही हूँ तो क्यों ना मैं भी लिखूं। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, छोटी छोटी लाइंस लिखी, लोगों से फीडबैक लिए कि मैंने ये जो चीज लिखी है ये राइम कर रही है या नहीं एंड फील हो रही है या नहीं। तो स्टार्टिंग में कुछ बहुत छोटे छोटे, मतलब लगेगा कि हाँ एक छोटे बच्चे ने शायरी लिखी है, तो उस लेवल पे लिखते थे। तो भी लोगों ने थोड़ा सा बोला कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। तो वहां से लिखना और गाना दोनों कनेक्ट हो गया एंड मैं दोनों को ही नहीं छोड़ पा रही हूँ। 11th स्टैंडर्ड से तो ये जिद है कि ठीक है पढ़ना है, अपना एक प्रोफेशन अलग बनाना है, लॉ फील्ड में एकदम प्रॉपर लेवल पे जाना है, लेकिन सिंगिंग और राइटिंग ये कभी नहीं छोड़ने वाले क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मुझे बहुत मदद करते हैं एंड वो पैशन मुझे 11th से ऐसे मतलब जुड़ गया है, पक्का हो गया है कि अब तो साथ ही रहेगा। तो 11th से मेरी दोस्त वाह यार, कोई ऐसी चीज मिलना जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन शेयर कर सकता है, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा जरिया मिलना, बहुत बड़ी चीज है यार ये तो। ये बहुत, मतलब हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं, इसमें भी कभी ना कभी हम लोग कम पड़ जाते हैं कि हम उतना शेयर नहीं कर पाते, लेकिन जैसे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पावर है राइटिंग, एंड जो तुम अभी गाने लिखोगे खुद के, वो तो भाई अलग ही लेवल पे जाएंगे, क्योंकि उसमें लैंग्वेज अलग जाएगी, तुम्हारे शब्द अलग आएंगे, और एज अ राइटर तुम्हें ऑलरेडी वो राइट शब्द पता है लोगों को जोड़ना कैसे। तो यार ये तो एक सुपर पावर है तुम्हारी। मैं जरूर चाहूंगी कि तुम्हारे लिखे हुए जो भी सॉन्ग्स है, जो भी तुम्हारा राइटअप है, वो मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं से मिले और मैं उसको सुनू, देखू, पढ़ू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके तो तब कैसा लगता है जब तुम एज अ सिंगर ज्यादा फेमस हो और लोग एज अ तुमको बहुत सिंगर। पसंद करते हैं एज अ सिंगर, तब कैसा एक्चुअली जब लगता है? मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी तो मैं उस वक्त पे राहत जी को बहुत सुनती थी, कैलाश खेर जी को बहुत सुनती थी। तो मेरा जो वोकल था ना बहुत ज्यादा बेस था उसमें और बहुत ज्यादा हैवी था। तो लोगों ने मुझे कई बार बोला कि मतलब मत गा यार, बहुत हैवी साउंड करती हो और लड़कियों पे इतना अच्छा नहीं लगता। तो आई वॉज लाइक रेखा भारद्वाज जी वो भी तो हैवी गाती हैं एंड सुनिधि जी उनके वोकल में भी बहुत बेस है तो इनको तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर मेरे वोकल में क्या इशू है। देन मैंने अपने वोकल पे थोड़ा काम स्टार्ट किया एंड मैंने बेस को थोड़ा कंट्रोल करके अपनी वोकल पे बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद उसे थोड़ा सा गर्ली किया है। एंड नाउ जब वो लोग बोलते हैं कि अच्छा है तूने उस वक्त सिंगिंग नहीं छोड़ी, आज हम तुम्हारे फैन हैं,
एंड लोगों का जब मैसेज आता है कि इतने दिन हो गए यार वाह वीडियो नहीं डाला, तो ये लगता है कि यार अगर उस दिन रुपए होते तो ये मोमेंट मिस हो जाता। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है, लाइक हाँ लोगों का सामने से ये बोलना कि ये गाना कब गाओगे, एंड वाओ ये वॉइस तुम में मतलब इतना फिट हो गया है कि ओरिजिनल सॉन्ग के लेवल पे जा रहा है। तो ये जो लाइन आती है ना कि ओरिजिनल सॉन्ग से टक्कर दे रहा है, तो फिर तो फीलिंग अलग ही आती है, फिर तो आसमान में पहुंच जाती है। यही तो है ना यार, कि जो कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक सक्सेस पॉइंट होता है। अगर उसके आसपास भी तुम दिखे और वो लोगों ने देख लिया, तो यार और है ही क्या, क्योंकि वही हमारे लिए सक्सेस पॉइंट है। वहां तक तुम ऑलमोस्ट पहुंच गए हो, इसका एक साइन मिल जाता है लोगों से कि हाँ यार यू आर डूइंग वेरी गुड। तो लोगों को ज्यादा पसंद क्या आता है, तुम्हारा राइटअप, तुम्हारी बुक्स, एक्चुअली या फैक्ट ये तुम्हारा है कि सिंगिंग मैंने वॉइस? सिंगिंग लोगों के सामने ज्यादा प्रेजेंट की है, राइटिंग को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली लोगों को मेरी सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद है और फिर मेरी राइटिंग पसंद है। क्योंकि वो होता है ना कि लोगों को सुनना थोड़ा इजी लगता है, पढ़ने में थोड़ा सा आलस आ जाता है लोगों को। अगर कहीं थोड़ा ट्रिकी वर्ड्स यूज कर लिए तो फिर उन्हें समझने नहीं बात है, तो सही है। वो लिखने वाला जितना बेहतर समझ लेता है पढ़ने वाले को थोड़ी रिसर्च करनी पड़ सही जाती है। बात है। तो इसलिए कंपैरिजन टू राइटिंग लोगों को सिंगिंग ज्यादा पसंद है। गाना थोड़ा सा ओके कुछ गाओगे हमारे लिए? अभी मैंने एक ऑडिशन में सॉन्ग गाया था एंड आई गॉट अ स्पेशल मेंशन, तो वही गा देती हूँ। ओके फिर अगर कभी तू मुझे ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना कम। एक्चुअली सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मुझे थोड़ा सा फियर है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत हुआ है एंड पिच थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बट नो, आई जस्ट लव इट, योर वॉइस इज एक्चुअली मेंट फॉर दैट। तुम काफी रिदम में गाना गा लेते हो अच्छे से, और मेरे को लिटरली यहाँ पर लोगों ने बोला है कि जुई बोलो उन्हें अभी गाना गाने के ओके लिए। ओके एक मेरी फ्रेंड है करिश्मा नाम की, उन्होंने बोला जुई आस्क तनिषा टू सिंग समथिंग। सो ये तो बात सही है कि लोगों को गाने सुनना बहुत पसंद है, और जब वो सिंगर्स गाते हैं उनको वो टोन, वो वॉइस, वो उससे कनेक्ट हो पाते हैं जल्दी। तो ये तो सही बोला तुमने, जैसे कि पहले बताया था राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत जाती है क्योंकि वो पढ़ने में दिक्कत जाती है लोगों को। सिंगिंग इज अ वे गुड, इट्स अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट विद पीपल। सो यू आर डूइंग रियली ऑसम, आई जस्ट लव्ड द थिंग्स यू आर डूइंग इन द बुक्स, बुक वर्ल्ड बीइंग एन ऑथर, एंड द सिंगिंग वर्ल्ड बीइंग अ सिंगर। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोथ ऑफ दोज लाइव्स। ओके, तो अभी रियलिटी पॉइंट पे जाते हैं। इतना लेवल तक पहुंचना, मतलब यार कुछ तो किया होगा ना, देखा है बहुत सारी चीजें, देखी है, झेली है, सुनी है, कहीं भी नहीं, मन में भी रखी हुई बहुत सी चीजें। तो ऐसा टफेस्ट फेज क्या था लाइफ में तुम्हारे, एक्चुअली जिसमें जैसे तुम्हें कि बहुत मैंने दिक्कत हुई बताया होगी? कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था पहले, एंड लाइक मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। लाइक किसी ने इंट्रो भी पूछ लिया ना तो माय नेम इज तनिषा सिकरवार एंड उसके आगे ब्लैंक। तो सबसे पहला यही कि मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता था एंड अपने आईक्यू लेवल को लेके बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड रहना एंड लोगों को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाना, एकदम ब्लैंक आउट हो जाना, एंड ऊपर से हेल्थ इश्यूज की वजह से ज्यादा हाई लेवल पे ना सोच पाना, ये मेरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुझे ना ये लगता था कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन, कि मत करो मत करो, कोई नहीं, मतलब
कुछ और कर लेते हैं, छोड़ दो ये चीजें। तो ये माइंड में बहुत बार आया, छोड़ दूं क्या? वो जो खुद से क्वेश्चनिंग होने लगती है ना लोगों की बातों को सुनने के बाद, एंड खुद पे मतलब शक होने लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, तो उस चीज को ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। बट देन मैंने क्या किया कि अपने फैमिली मेंबर्स से बात करना स्टार्ट किया, एंड मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको भी तो लाइफ में कभी ये चीजें फेस करनी पड़ी होंगी, तो आपने कैसे फेस किया? तो लाइक पेरेंट्स ने यही बताया कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग फ्रॉम योर एल्डर्स, ये दो फैक्टर्स तुम्हें विल पावर देंगे एंड तुम चीजों को ओवरकम करना खुद सीख जाओगे। तुम बस हम लोगों के रहने का एंड चीजों को डील करने का तरीका देखो एंड देन उसको फॉलो करोगी तो तुम खुद सीख जाओगी प्रॉब्लम से डील करना। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि मेरे पेरेंट्स को जो चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, वो उसी को चैलेंज करने में लगे रहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज करता था लोगों का मतलब कमेंट कर देना एंड उनका क्राउड में खड़े होके मुझे एकदम से घूरने लगना। तो मैंने उसी चीज को चैलेंज किया एंड टूटी फूटी इंग्लिश के साथ भी मैंने बहुत बार अपने आप को प्रेजेंट किया। लोग हंसे थे, बट कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे पब्लिक में से आके सपोर्ट किया कि तुमने एफर्ट डाला है वो ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको रोकना मत। एंड बहुत से लोग हैं लाइफ में जिन्होंने मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट किया एंड गाइड किया है, जैसे कि मेरे अंकल्स एंड मेरी मासी एंड मेरे मम्मा पापा एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कई बार बोला कि पागल हो क्या, ऐसे कैसे रोक दोगी, हम तुम्हारे फैन हैं, हमारे लिए करो, तो ऐसे करके मतलब दिया। एंड कुछ हेटर्स थे जिन्होंने हमेशा मतलब बस नेगेटिव कमेंट्स पास किए हैं। उनकी वजह से जब मेरे को थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था एंड देन आई वाज इन 10th, तो उस वक्त क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड ने मुझे मतलब वो शिफ्ट हो गई थी तो उससे कांटेक्ट टूट गया था, एंड आई वाज द अलोन पर्सन इन माय क्लास जिसको कोई ज्यादा कंपनी नहीं मिलती थी। तो उस वक्त वो टीचर आए थे, सैम नाम था उनका, उन्होंने कहा कि मैं आरजे हूँ, मैं स्टेज परफॉर्मेंस भी करवाता हूँ एंड मैं एंकरिंग्स वगैरह करवाता हूँ, तुम वो करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोग बोलते हैं कि लोग मुझ पर भी हंसते हैं बट मैं इग्नोर कर देता हूँ, तुम बस करो, मैं तुम्हें शोज लाके दूंगा। तो उन्होंने मुझे भोपाल में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं ऐसे ऐसे करके शोज करवाए, एंड वहां पे पब्लिक को देख के जब डर लगता था ना, तो वो मेरी मम्मा को लेके चलते थे साथ में कि जब डर लगे अपनी मम्मा को देखना, यू विल फील एनर्जी, डिफरेंट लेवल एनर्जी। तो हाँ, मम्मा साथ में होती थी तो उनको देख के सच में लगता था कि यार अगर आज कुछ नहीं किया ना तो उन्हें प्राउड फील नहीं करवा पाएंगे, तो डर को रखो साइड में एंड जस्ट परफॉर्म योरसेल्फ। तो वो फेस के प्रॉब्लम्स से खुद फाइट करना एंड पेरेंट्स को देख के खुद के अंदर एक डिफरेंट एनर्जी लाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि खुद से सीखना था, हर वक्त कोई नहीं सिखा सकता, तो इसलिए तो वही सबसे ज्यादा हार्ड था। आज भी शायद ये थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करता होगा, क्योंकि लोगों की बातें बंद नहीं होती हैं। वो शायद उसी वजह से यहाँ पर है दुनिया में, कि भाई वो हमें पुश करते रहे और ये बताते रहे कि हम में कहीं ना कहीं कमियां हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही। तो फैक्ट ये है कि तुम ये चीज समझ गई हो कि इनको हर एक चीज तो पसंद आने वाली है नहीं। दूसरी चीज, मैं जो भी करूंगी इनके पास बोलने के लिए 100 चीजें रहेंगी। तीसरी चीज, फर्क पड़ के लेना है ही नहीं, क्योंकि इनको कुछ करना है ही नहीं, इनको यही काम है। तो हर एक पर्सन जो स्टेज पे जाने की हिम्मत करता है और जो पीछे से बोलता है कि भाई तुमसे नहीं होगा, पहली बात तो वो उनसे ही नहीं हो रहा, इसलिए वो स्टेज पे नहीं है। तो यू शुड बी वेरी प्राउड, तुमने बहुत सोच समझ के काम किया है। तुमको वैसे वैसे इंसिडेंट्स आते भी गए, तुमने वहां वहां अपने आप को पार्टिसिपेट करवाते गए और तुमने वहां शो अप किया। इनफ, और क्या चाहिए? वो वहां अब भी खड़े रह के किसी और को बुली कर रहे हैं, किसी और को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज उनको कहाँ ग्रो होना है, हमको तो ग्रो होना है। हम ग्रो होके आके चले भी गए। लुक एट योर सेल्फ टूडे, आज हम लोग बात कर रहे हैं वही ऐसे ना, मतलब ये कितने सारे लोग फीलिंग ही डिफाइंड हो रहे इसलिए मैं हैं।
ने बोला? कभी कभी उनको भी क्रेडिट देने का, उनको भी क्रेडिट देने का. हेटर्स आर लाइक दे आर ऑलवेज सबको देयर बढ़िया फॉर यू एज अ मोटिवेट वही ट्रीट. करते कुछ हैं। ना कुछ तो नया बताएंगे ये. को मोटिवेशन का ना ये देना चाहिए, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। क्रेडिट दे देना चाहिए, लो भाई तुम्हारे वजह से हो रहा है सब. ओके, तो अभी ऐसे लाइफ में हम लोग ना जैसे अभी सोशल मीडिया पे अलग दिखते हैं, और रियलिटी में जब हम लोग अपनों के साथ होते हैं तो हम अलग होते हैं. तो मुझे जानना है रियल तनीषा और रील सो तनीषा. तो दोनों रियल लाइफ के की जो बारे में कुछ तनिषा बताओ. है वो बहुत पॉजिटिव दिखती है, बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है, एंड लाइक ऐसा लगेगा कि ये सबसे ज्यादा खुश मिजाज लड़की है एंड इसको लाइफ में कोई इश्यू नहीं है, ये बस दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठी है। बट ऐसा होता नहीं है कि लाइक किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लाइक इवन इन सेलिब्रिटीज लाइफ भी लोग सोचते होंगे कि इनका लाइफ कितना परफेक्ट है, काश हम इनकी जगह होते। तो कुछ लोग मुझसे भी बोलते हैं कि यार लाइफ हो तो आपके जैसी, मजे ही मजे हैं। तो मैंने कहा कैसे पता कि मजे हैं? तो कहते हैं आपकी स्टोरीज देखी, आपका स्टेटस देखा, आपकी मतलब लाइव देखी एंड आपकी वीडियोस देखते हैं, आपके तो मजे हैं। मैंने कहा यार रियल लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट कैसे? लाइक एक्चुअल में तो मैं खुद को क्वेश्चन करती हूँ, तब जाके मैं आंसर ढूंढती हूँ, देन मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सोचने के बाद परफॉर्म करती हूँ। तो इवन एक 30 सेकेंड्स का सॉन्ग भी अगर पोस्ट करना है तो उससे पहले भी मुझे ये सोचना पड़ता है कहीं इसमें मेरी पिच खराब ना हो जाए। लाइक अभी थोड़ा लोगों के कमेंट्स देखे ना एकदम से, तो मेरा पिच चेंज हो गया। तो वही चीज हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग रियल लाइफ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लाइक मैं बहुत पॉजिटिव एंड हैप्पी दिख रही हूँ, नहीं, कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ। मुझे भी लगता है कि यार छोड़ो नहीं हो रहा, एंड लाइक लोगों को लगता है कि मैं बहुत फन कर रही हूँ, जबकि फन कुछ नहीं है। मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, मैं अपने रूम में रहना मतलब करती हूँ, मैं कहीं ज्यादा ट्रेवल वगैरह भी नहीं करती। एंड लाइक लोग तो फिर भी क्लब्स वगैरह चले जाते हैं एंड मस्ती मार आते हैं दोस्तों के साथ। मेरा तो ये है जब लगा कि सुकून चाहिए तो एक चाय की दुकान पे गए, चाय पी के बैठ के वापस घर आ गए। तो मेरा तो ऐसा लाइफ है, लेकिन लोगों को बहुत फन लाइफ लगता है। तो नहीं, आज मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि रियल लाइफ की तनिषा को आप जैसे समझ रहे हो ना, नहीं, उसका 50% सही है बट 50% रॉन्ग भी है। हर पर्सन लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, हर पर्सन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है, एंड एंजॉयमेंट के साथ साथ सब लोग लाइफ में कुछ सीखने में भी लगे हुए होते हैं। तो भाई रियल लाइफ तनिषा बिल्कुल अपोजिट है। तो ये मिथ खत्म कर दी थी आज, हो गई। अमेजिंग. क्योंकि ये रियल के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, सबको आजकल रील पे ज्यादा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, अच्छा अच्छा देखने में मजा आता है. तो अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारा? मतलब चीजें तो बहुत सारे कर रहे हो, कंफ्यूजन तो मुझे भी हो रहा है, क्योंकि तुम बेस्ट हो सिंगिंग में भी, बेस्ट हो राइटिंग में भी हो, ठीक है, डांसिंग भी तुम बहुत अच्छा कर लेते हो, क्योंकि तुमने बहुत सारे ऐसे मतलब अवार्ड्स और क्या बोलते हो उसे, रिकग्निशन पाया सो है उस चीज में भी. गोल क्लियर है तो मेरा गोल क्या कि है? लाइक मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत पसंद है, मुझे वहाँ की वर्किंग स्टाइल्स बहुत पसंद आती है, एंड या मुझे पसंद आती है। सच्ची. मुझे लाइक लिटिगेशन से बेटर कॉर्पोरेट लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब मुझे वहाँ वाइब्स मैच करती है कॉर्पोरेट साइड की, तो मुझे वाह यार, कॉर्पोरेट काफी अलग हो तुम. वही, तो मेरा कॉर्पोरेट में सरप्राइज है इंटरेस्ट मेरे है, तो लिए आई ये. विल ट्राई कि मैं लीगल एडवाइजर की पोजीशन ग्रैब कर पाऊँ। एंड आई नो कि लोग लॉ करते हैं तो जज लेवल पे जाना पसंद करते हैं, नो डाउट जजेस का रुतबा एंड उनका जो लेवल होता है, नॉलेज लेवल, एक्सपीरियंस, रिस्पेक्ट, वो बहुत आउट ऑफ रीच जाता है, वो सबके ऊपर आते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट लीगल एडवाइजर में है क्योंकि मेरी वाइब्स वहीं जाती है, मुझे वहीं लेके जा रही है, और मैंने आज तक अपनी वाइब्स को पीछे छोड़ा नहीं, तो मुझे नहीं लगता मैं आगे छोड़ पाऊंगी। मुझे तो वही करना है, एंड जो लोग जज के लिए तैयारी करते हैं उनको ऑल द बेस्ट।
हम बिल्कुल रिस्पेक्ट देंगे दिल से, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, हर फील्ड में बहुत, एंड जज के लिए तो सल्यूट है भाई जो इतना कर लेते हैं. बाकी मैं तो कॉर्पोरेट में ही जाऊंगी लीगल एडवाइजर के लिए, मेरी तो जिद है, तो वही है मैं अभी फिलहाल में. वाह, लाइक तुम्हें पता है प्रोफेशनलिज्म कहाँ आती है, उसमें कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें एक्वायर करनी है, और जो हॉबीज है, जो पैशन है, वहां पर भी तुम्हारे पास अपने खुद के अलग अलग गोल्स हैं। जो तुम दोनों चीजों को बैलेंस करके कर रहे हो ना, ये शायद आज के तारीख में बहुत से लोगों को नहीं हो पाता है, उनसे नहीं हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, वो मैनेज नहीं कर पाते। तुम्हें अपने बारे में इतना अच्छे से पता है, तुम खुद को ऐसा जान चुके हो कि किस वक्त मुझे क्या करना चाहिए और वो कैसा सक्सेसफुल होगा, कितनी मेहनत डालनी है, किसमें कितना नहीं डालना चाहिए, एंड एक्चुअली इसमें थिंकिंग लगेगा, तो इसको तुम ओवर थिंक तो मत बोलना। दिस इज एक्चुअल थिंकिंग। एंड सी द रियलिटी ऑफ राइटर्स इज कि जब तक वो ओवर थिंक नहीं करते, तब तक उनके पास बेस्ट पीसेज ऑफ राइटअप्स नहीं आते हैं। तो अपने आप को इस चीज का हाँ क्रेडिट देना है बिल्कुल कि हाँ, मैं ओवर थिंक करूँ और तो मैं मुझे बोल पसंद है, रही हूँ, आई खुशी से एम बोलना ओवर कभी भी। थिंकर, कंग्रेचुलेशन ऑन बहुत ज्यादा दैट। ओवर थिंकिंग. ओके, नहीं बट जरूरी है ना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्रूव कर रहा है जो भी आज तुम हो उसी की वजह से है। क्रेडिट अपने ओवर थिंकिंग को भी दे दो यार थोड़ी सी। ओके, तो जैसे अभी आजकल की तारीख में सबको हिट होना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो, मैंने एक शो शुरू कर दिया। पहले मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझ जैसे लोगों को कोई गिनता नहीं है, तो चलो मैं एक शो खोल देती हूँ जो मेरे जैसे कॉमन लोगों को गिनेगा, तो मैं उनको सबको लूंगी अपने प्लेटफॉर्म पे, सब अपने अपने बारे में बताएंगे, बहुत मजा आएगा, मुझे भी सीखने मिलेगा। लेकिन इस चीज के साथ चलते चलते एक चीज समझ में आई कि ये शुरू तो किया है, इन्वेस्ट तो बहुत कर रही हूँ, मेहनत भी उतनी उठा रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा इस चीज का? मुझे हिट होना है, मुझे मेरे शो को एक लेवल पे लेके जाना है जहां पर वो वैल्यूएबल हो, लोगों को लगे कि नहीं यार मुझे शो पे जाने का मन है। जैसे बाकी के शोज है, तुम तो जानते ही हो बहुत सारे शोज होते हैं, तो एक हिट होने का एक गाइडलाइन होना चाहिए जो बहुत लोग जर्नी में चलते चलते सीखते हैं और करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से, जैसे तुम ऑलरेडी हिट हो ऑन यूट्यूब, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी काफी लोग तुम्हें फॉलो अप कर लेते हैं क्योंकि तुम्हारा टैलेंट वैसा है, लोगों को रिझाता है, लोगों को पसंद आता है, तो मुझे तुमसे एक ऐसा गाइडलाइन चाहिए जो मुझ जैसे बाकी बहुत से लोगों जिन्होंने अपने अपना स्टार्टअप किया है सोशल मीडिया पे, कि वो हिट कैसे हो और वो कौन सी क्वालिटीज को सी फॉलो करे कि वो एक्चुअली आगे जाके उस मैंने चीज को आपका फेस सक्सेसफुल बहुत बनाए। ज्यादा ऑब्जर्व किया था, आपसे बात करने से पहले ही मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था, आपके पोस्ट एंड आपके जो सेशंस हुए हैं वो सारे मैंने नोटिस किए. आपके अंदर क्वालिटीज तो वो सारी हैं जो हिट होने के लिए बहुत जरूरी है. तो अब रहता है कि दो चीजें और होनी जी चाहिए, एक लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि मैं खुद भी बहुत करती हूँ. ठीक है, सो लाइक आपने अभी बोला कि कुछ शोज हैं जिन्हें मतलब लोग जाने के लिए जिनमें बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो आपको भी अपना उसी लेवल पे लेके जाना है. तो मेरा कहना ये है, अपने कॉम्पिटिटर्स को इतना देखो ना कि उनके जो मैजिकल पॉइंट्स है ना वो आप पकड़ लो, कि भाई उनकी वजह से इनके पास जाने के लिए सब बेताब हो रहे हैं. तो फिर आप खुद पे रिसर्च करना चालू करो कि ऐसा क्या है जो आपके शो का बहुत डिफरेंट हो, जो लोगों को एंजॉय करा सके. तो लाइक आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो जो आता है टीवी पे, वो बीच बीच में गेम्स खेलते हैं जिसमें वो क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन वो उनकी पब्लिक से भी बोलते हैं कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करना है तो पूछ सकते हो. एंड पब्लिक से भी पूछा जाता है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी को लाना चाहते हो अगले सेशन में. तो ये चीजें जो होती है ना टॉक शोज की, ये बहुत जरूरी होती है. पब्लिक का सजेशन, इंटरेक्शन साथ वाले के साथ कि वो एंजॉय करें, एंड वो चीजें उससे पूछना जो कभी उससे किसी ने नहीं पूछी, जैसे कि आपने अभी मुझसे पूछा रियल लाइफ एंड रियल लाइफ वाला. तो ये क्वेश्चन मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा, बस मेरी रियल लाइफ को मेरी लाइफ समझ लिया. तो ये पॉइंट मैं कहूंगी आपके शो में आने के लिए बहुत अच्छा है कि आप
रियल लाइफ को लेके क्वेश्चन कर रहे हो एंड आप एकदम फ्री होके बात कर रहे हो. लाइक कुछ लोगों का होता है कि बस स्क्रिप्ट ले ली एंड स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते बोलते चले गए आप चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो ये एंजॉयमेंट कभी खत्म मत करना एंड अपने अपोजिशंस को देख के उनके जो मैजिकल पॉइंट्स हैं वो देखो एंड अपना एक नया पॉइंट बनाओ कुछ डिफरेंट बनाओ जो सिर्फ आपके शो में मिले. एंड पब्लिक से भी आप पूछ सकते हो कि आप कौन से गेस्ट चाहते हो कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं एंड आप चाहते हो कि उनके बारे में आप जानो. तो जब पब्लिक आपको सजेशन देगी ना तो वो आपको हेल्प करेगी खुद ग्रो करने में. बिकॉज मैं भी जब भी गाना डालती हूँ तो मैं भी यही पूछ के वाह डालती हूँ कि आप कौन सा गाना बिल्कुल सुनना चाहते हो क्योंकि जब मैं उनके अकॉर्डिंग रहूंगी ना तो वो गाने को शेयर करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे और जितना वो शेयर करेंगे उतना हम ग्रो करेंगे. बात तो सही है यार, ऑसम. मैंने ये एक दो बार किया था जैसे एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी के लिए, तो काफी अच्छे सजेशंस मिले थे. और मैंने एक ऐसा एंटरप्रेन्योर लाया था, लाइक शी इज अ गर्ल और वो लखनऊ में है. बहुत अच्छा एक शो शुरू किया है जिसमें वो बहुत से अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को लाती है. तो उस टाइम पे मैंने देखा लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया. तो यस, आई विल कीप दिस इन माइंड. जैसे अभी मैं कंटिन्यूएशन में जैसे लोग आ रहे हैं, मैं उन्हें भी चांस दे रही हूँ. और ऑब्वियसली जो पब्लिक बोलता है उनकी बातें तभी के तभी बोलकर वो गेस्ट से तभी के तभी आंसर्स ले लेना, वो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं, जैसे ये लोग भी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, ये लोग भी बहुत सारी चीजें और आगे पूछेंगे. तो गुड सजेशंस. आई एम वेरी हैप्पी टू से लाइक कहीं ना कहीं मैं सही जा रही हूँ. और मेरे पास भी है कुछ पॉइंट्स जो वो जरूर वो कभी ना कभी वो अच्छे से फिट हो जाएंगे शो के लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वन. एंड लोग, अगर तुम लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हो तो टेक दिस एडवाइस फ्रॉम हर. टेक दोज मैजिकल पॉइंट्स जो एक्चुअली तुम्हारे ऑपोजिशन में जो है, तुम्हारे ऑपोजिट जो काम कर रहे हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है, उनसे लो. दूसरा, आस्क पब्लिक. थर्ड थिंग, हैव योर ओन यूनिक थिंग, कुछ भी हो फिर वो तो, ये तो हिट होना ही है. आई एम ब्लेस्ड विद दीज 3 पॉइंट्स. थैंक यू तनीषा सो मच. ओके, हर एक पर्सन को ना एक मोमेंट होता है जो वापस जीने का मन करता या है. तुम्हारा ऐसा कोई मोमेंट है? एक्चुअली ऐसा है कि लाइक मैंने जो जो चीजें की हैं लोगों ने मुझसे सीखनी चाहिए हैं अक्सर. तो जब मैं डांस करती थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे डांस सिखाओ तो कई मेरे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने मुझसे सीखा तो उन बच्चों को सिखाना वो मोमेंट तो होता है ना जिसमें वो आपको गुरु मानते हैं एंड आपको वो एकदम एक आइडल की तरह रखते हैं कि हाँ इनकी तरह बनना है. तो वो जो फीलिंग होती है कि हाँ हम किसी की विश को फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो जो मोमेंट्स होते हैं कि हम अपने स्किल शेयर कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ा रहे हैं ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो जब जब मैंने अपनी स्किल्स लोगों को शेयर की हैं उन्हें सिखाया है वो मोमेंट मुझे बहुत पसंद आते हैं एंड मेरा मन करता है कि मैं लोगों को फिर सिखाऊं उन लोगों से फिर से मिलूं एंड उनके संग वो मोमेंट फिर से एंजॉय करूं बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी मुझे नई चीजें सिखाते हैं. तो वो चीज बहुत डिफरेंट थी एंड एज आई एम अ हिप हॉप एंड कंटेम्प्रेरी डांसर मुझे क्लासिकल का कुछ पता नहीं था. तो अभी बीच में एक डांसर थी क्लासिकल डांसर देवोश मैम वो अभी मुझे मिली एंड उनके अंडर में मैंने थोड़ा सा भरतनाट्यम सीखने की कोशिश की एंड वो जो मोमेंट था उनसे वो सीखना वाह. वो भी एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी एंड बहुत एंजॉय किया मैंने. आई डोंट नो उन्होंने वो अभी वो लाइव देख रही हैं या नहीं पता नहीं बट अगर वो देखती हैं तो मैं उनको यही बोलूंगी मैम फिर से मिलना है एंड फिर से आपके साथ चीजें सीखनी है एंड एक वेस्टर्न डांसर को क्लासिकल सिखा दोगे तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी. काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है तुम्हारा. पहली बात तो टैलेंट को लेकर तो है ही, लेकिन सीखने के लिए भी बहुत कुछ है. तो तुमने काफी अच्छे कनेक्शंस बना रखे हैं, इन्हें बनाए रखो. और इनसे बहुत कुछ है और सीखने के लिए, तो कीप कंटिन्यूइंग दैट. और तीसरी चीज ये कि अपने पास जो है वो तुम जैसे दे रहे हो लोगों को, शेयर कर रहे हो अपनी स्किल्स,
अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस वो भी करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ये सोच रहा है कि तनीषा ने किया है ना, तो मैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये होना बहुत जरूरी है। तो वो तो तुम ऑलरेडी कर ही रहे हो, कीप डूइंग दैट। ओके, तो जैसे हर एक पर्सन की जर्नी में कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस होते हैं कि अच्छा ऐसा था, ये मोमेंट्स बहुत बहुत मस्त होते हैं, मुझे बहुत पसंद है ऐसे मोमेंट्स, खुद को शौक लगता है अलग ही तरीके का। और जब वो शौक लगता है तो अपने जो पुराने बिलीफ सिस्टम है ना, हम उसको चेंज करने में लग जाते हैं कि पहले जो मेरी थिंकिंग थी वो ऐसी थी, लेकिन अभी इसके बारे में पता चलने के बाद नहीं यार ये शायद ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कौन से बिटर अजीब गरीब ट्रूथ्स है जो तुम्हारे जर्नी में तुमको मिले हैं और जिसको तुमने एक्चुअली अपने जर्नी में सिंपल सी कंटिन्यू किए चीज हैं? है कि पहले मुझे कोई जानता नहीं था ना, तो मुझे ये लगता था यार मैं तो एकदम ही यूजलेस हूँ, मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा, क्या ही मतलब है मेरी लाइफ का, बस गलियों में साइकिल चलाना। तो वो चीज बड़ी बेकार लगती थी। एंड जब मैंने इन चीजों को फिर पकड़ के मैंने इन चीजों को करने की कोशिश करी ना, तो जब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया एंड लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया कर रही है भाई, हमने सोचा नहीं था, तू बहुत सही कर रही है, तब मुझे लगता था हैं मैं सच में इतना अच्छा करती हूँ? सीरियसली मतलब इतना अच्छा है कि इतने लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, इतना लोग मतलब मेरी बुक्स खरीद रहे हैं, मुझे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आते हैं कि हम आपकी बुक पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं बड़े शॉकिंग होते हैं, क्या सीरियसली ये तो रैंडम पर्सन है, इसका तो मुझसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये मतलब रैंडम रीडर है, रैंडम लिसनर है। तो जब वो अप्रिशिएट करते हैं ना, तब ये लगता है वो जो पहले वाली तनीषा थी ना, जो बस खुद को मना करती रहती थी, नहीं यार कुछ नहीं हो ना, अपन तो बस ऐसे ही हैं, बस अपन दुकानों पे खाने के लिए खाना ढूंढ सकते हैं और अपने पास का कुछ नहीं। तो वो वाली तनीषा को ना अब मैं समझा देती हूँ कि भाई वो थॉट गलत, तुम देखो लोगों को पसंद आ रही होती, तो वो जो मोमेंट होते हैं जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि तुम ये तो बहुत अच्छा कर रही हो, अगर तुम इतना और कर लोगी ना तो तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगी। लाइक मुझे एक कॉम्प्लीमेंट आया था कि यू साउंड लाइक अ नेहा कक्कर, तो मुझे लिटरली वो मोमेंट ऐसे वाह, लगा कि तो मजाक तो बहुत नहीं बड़ी कर रहे चीज है यार। नहीं मतलब लैपटॉप चल रही हो, क्या पता मैं दिल पे ले जाऊं फिर बाद में। तो मैंने कंफर्म कि आर यू श्योर, क्योंकि नेहा मैम की आवाज बहुत डिफरेंट है। तो बोलते हैं हाँ, अगर तुम थोड़ा सा इस तरीके से और गाओगी ना तो ये लगेगा नेहा मैम गा रही। लाइक नो, उनके लेवल पे मेरे से नहीं होगा क्या, मतलब कुछ भी। तो वो मोमेंट्स होते हैं ना बड़े शॉकिंग लगते हैं कि भाई उनके लेवल का बोल रहे हो। देन उसके बाद मैंने, लेकिन इसके बाद मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोच लिया, जो कि मेरी बहुत गंदी आदत है, कि लोगों ने बोला ना कि आप इनकी तरह साउंड कर रहे हो, उनकी तरह साउंड कर रहे हो, तो उन्हें थैंक्स तो बोला, बट उसके जस्ट अगले दिन मैंने अपना सिंगिंग स्टाइल ही चेंज कर दिया कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है, मुझे मेरे जैसा बनने दो, मुझे डिफरेंट बनने दो, जिससे किसी दिन कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो कि तुम तनीषा की तरह साउंड करती हो, तो मुझे वो चीज चाहिए। तो हाँ वो मोमेंट शॉकिंग थे कि इतने बड़े लोगों से मुझे बोला कि उनके जैसे साउंड कर रही हूँ या फिर मैं उनके लेवल का लिख सकती हूँ। लाइक मेरे पापा ने भी बोला था, एक दिन मैंने शायरी लिखी थी, लाइक सुकून की तलाश में हम अपना घर छोड़ आए, पागल थे हम जो अपनी माँ की गोद छोड़ आए, ऐसे करके मैंने लिखा हुआ था। तो ये इस टाइप की जो लाइंस लिखी थी, उस पर पापा ने बोला क्यों ना तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो एंड जो राइटर्स हैं उन्हें टैग कर दो, क्योंकि वो पढ़ेंगे ना तो उस लेवल का तो ये है। मोमेंट मतलब मैं 2 मिनट के लिए अपने शांत हो गई, लिटरली पापा ने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। क्योंकि क्या है, पापा वर्किंग की वजह से फुल डे बिजी रहते हैं, जब वो 2 मिनट भी आके मुझसे बात करते हैं ना, तो उस वक्त अगर वो कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उन्होंने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। तो हाँ ये जो मोमेंट्स होते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड पर्सन से अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो वो
धमाका कर देता है दिल दिमाग में। बस ये मोमेंट मुझे बहुत पसंद लगते हैं और थोड़ा डिफरेंट लगते हैं। वाह, तो बेसिकली जो भी चीजें तुम कर रहे हो उसमें से तुमको कहीं ना कहीं से जो चीजें निकाल के अपने पास रखनी चाहिए वो भी तुम कलेक्ट कर रहे हो, दूसरी चीज नई चीजें तुम कलेक्ट कर रहे हो और वो लोगों को दे रहे हो थ्रू योर टैलेंट, थ्रू योर राइटिंग, थ्रू योर सॉन्ग्स, कैसे भी तुम्हारे पास जरिया है तुम बता सकते हो। तो अगर ऐसे यूथ है जो कोशिश कर रहा है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से, बुक्स हो, सिंगिंग हो, डांस हो, कोई भी टैलेंट हो, तो इग्नोर उनके लिए एडवाइस क्या है तुम्हारा? इग्नोर करो भाई। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो चीज आपको अपने टैलेंट को कंप्लीट करने से रोक रही है ना, उसे इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर मार दो। क्योंकि अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर चीज आपके माइंड में बार बार घूम रही है एंड वो आपको कुछ पॉजिटिव नहीं सिखा रही है, बस आपका कॉन्फिडेंस डाउन खींच रही है, तो उस चीज को उठा के ना डिलीट ऑप्शन में डाल दो सीधा कि नहीं चाहिए। हमें फालतू स्पेस भरना ही नहीं है, हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपनी चीजों से खुद सीखना है, लोगों से सीखना है एंड हमें बस करना है। लोग बोलते हैं ना कि ये पर्सन बहुत जिद्दी है, ये किसी की नहीं सुनता, तो वो जिद्दीपन अंदर होना चाहिए, जिद्दी बन जाओ। फालतू की चीजों के लिए जिद नहीं अच्छी लगती, लेकिन टैलेंट के लिए जब जिद करता है ना इंसान तो बहुत आगे चला जाता है। एंड वो जिद होगी ना तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मैं कल को और अच्छे लेवल पे जाती हूँ तो क्या पता कुछ जिद्दी लोग मुझे सुनने कॉन्सर्ट में आ रहे हैं। तो जिद होना बहुत जरूरी है। अगर जिद नहीं होगी, इग्नोरेंस नहीं होगा ना, तो फिर आप कभी एक प्रॉपर लेवल पर नहीं जा सकते। क्योंकि ओवर थिंकिंग होने के साथ साथ अगर इग्नोर करना नहीं आया ना, तो वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाएगा, खुद के लिए भी और अपने करियर के लिए भी। तो सबसे बड़ा एडवाइस यही है, बेश चीजों को इग्नोर करके चीजों बात पर तो सही है। जिद पर अड़ जाओ और बस अपना बेस्ट करने में लग जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी खुद पर भरोसा रखा ना, तो नई नई चीजें करते करते जाने कहाँ पहुंचोगे ना, कल को भीड़ लग जानी है मिलने वालों की। सच्ची में यार, आई मीन डिटर्मिनेशन तो होना ही चाहिए। इग्नोरेंस वाली जो चीज तुमने बताई है बहुत ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि वो एक चीज करने से ही सारी चीजें अपने आप आसानी से हो जाती है। तुम शांत भी रहते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तुम किसी का बदला लेने के लिए भागते नहीं हो इधर उधर, तुम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते उस थॉट के पीछे। तो बस एक चीज करने से ही बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है, दैट इज इग्नोरेंस। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। रखो, कंटिन्यू रखो, कोई कुछ बोले तो भाई सीधा इग्नोर, तुम्हारे फेवर में नहीं बोल रहा है ना तो इग्नोर करो, तुम्हारे फेवर में उसको लो अपने पास, उसको बोलो सपोर्ट कर, बी देयर इन माय जर्नी, साथ दो हमारा, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है उसको लिटरली इग्नोर करो। और हाँ, आजकल लोगों को कंपटीशन का इतना सेंस आ गया है कि वो अगर वो नहीं भी चाहते हुए भी वो कंपटीशन में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं यार, दुनिया में हम लोग सारी चीजें सरीके ही कर रहे हैं, हम लोग साथ में ही है, वी आर ऑल टुगेदर, तो कंपटीशन क्यों करना। लेकिन आगे जाने के बाद फर्स्ट कौन आएगा, बेस्ट कौन है, हो गया कंपटीशन। तो उस चक्कर में हम लोग ये इग्नोर करना भूल जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखो, कंपटीशन जब तक ना हो तब तक तुम्हें नहीं समझेगा कि तुम कहाँ हो, और अगर तुम उसको कंपटीशन में नहीं ले रहे हो, यू हैव योर ओन जर्नी, तो उसमें भी तुम कभी ना कभी अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। जस्ट फर्स्ट एज यू सेड इग्नोर, सेकंड जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए, अपने टैलेंट के लिए जिद्दी बनो। बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये एडवाइस तो मैं भी ले रही हूँ, लोगों को तो मिल ही रही है, फ्री में भाई ले लो, फ्री में ले लो। लास्ट पोर्शन पे आ गए हम लोग। तनीषा, काफी अजीब लग रहा है, मन नहीं हो रहा है ऐसे रखने का, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो ही गया है हमारा, बस 5 मिनट बचे। ये हमेशा मैं पूछती हूँ मेरे शो के ग्रोथ के लिए, जैसे तुमने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सी चीजें फॉलो अप करना चाहिए टू बिकम हिट, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, जो मैंने ये शो स्टार्ट किया देखो, है द लेजेंड टॉक्स, बहुत उसके बारे में पॉजिटिव कोई फीडबैक आने फीडबैक वाला है मिलेगा क्योंकि तुमसे? मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि
तो ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये चीज अच्छी लगी कि आप ये नहीं कर रहे हो कि जो फेमस है सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाए, जो फेमस होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आप उन्हें भी अपने शो पर बुला रहे हो, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ये चीज बहुत कम लोग करते हैं, और अगर करते हैं ना तो वो लोग पेड कर रहे हैं। मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है कि लोग अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है या आर्टिकल दे रहा है कहीं पे, तो वो कह रहा है पैसे निकालो भाई। तो मैंने कहा अप्रिशिएट करने का भी पैसा चाहिए क्यों? तो जब मैंने ये चीज देखी ना आपके शो की कि आप लोगों को ले रहे हो एंड उनका क्वेश्चनिंग करके उनको ओपन अप कर रहे हो, सबके सामने उनको ला रहे हो, उनकी लाइफ जर्नी शेयर कर रहे हो, तो मुझे आपके शो की ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप मॉनिटरी थिंग्स नहीं कर रहे हो जो कि आधे से ज्यादा टैलेंट को रोक देता है आने से। एंड दूसरी चीज, आप बहुत आराम से बात करो एकदम कंफर्ट के अकॉर्डिंग। मैंने देखा आपने पिछले सेशंस में इंग्लिश में बात किया है लोगों से, बट जैसे कि मैंने बोला आपसे हिंदी में कम्युनिकेट करना क्योंकि मेरी पब्लिक को हिंदी ज्यादा पसंद है, तो आपने हिंदी कर दिया। तो ये जो आप कंफर्ट के हिसाब से बैंड करते हो ना, ये शो की बहुत अच्छी चीज लगी। कुछ लोगों का होता है नहीं मैम हमारी कंडीशंस हैं, हम ऐसे ही करेंगे, ये हमारा पैटर्न है, तो फिर आधी पब्लिक चली जाएगी, आपको भी सामने वाले की डिमांड समझनी पड़ेगी। ये नहीं कहते कि आप अपना पूरा शो बदल दो किसी की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस तो चलता है। अब मैं यही कह देती कि नहीं मुझे आपके संग क्वेश्चनिंग नहीं करनी, मुझे आपके संग गेम्स खेलने हैं, तो ये नहीं चलेगा भाई। द लेजिट टॉक का पैटर्न है क्वेश्चनिंग करना, चीजों को सीखना और समझना। तो ये बहुत अच्छा है कि आप अपने पैटर्न को भी खराब नहीं करते, बट आप लोगों के कंफर्ट का भी ख्याल रखते हो। एंड लेजिट टॉक्स किसी से बेमतलब का पैसा नहीं लेता, बस टैलेंट लेता है कि हाँ भाई आपका टैलेंट है, आप अपनी स्टोरी शेयर करो एंड ये चीज बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लगे रहिए। जो पॉइंट्स मैंने बताए उन पे वर्क करिए, फिर देखते हैं आप और कहाँ जाते हैं, क्या पता हम दोबारा फिर से बात करें। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा टाइम आएगा जब तुम बोलोगे यार काफी आगे चले गए हैं, चलो हम लोग क्या वापस कर पता लेते भाई हैं एक मैं शो, मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अच्छा वाली लगेगा, स्टोरी हम लोग लगा लूं करेंगे कि जरूर। भाई मिलियंस में जा रहा है ये शो, तो वो चीज भाई वाह, काम तो ऑल द ऐसा बेस्ट। ही करना है अभी। थैंक यू सो मच तनीषा, ये बहुत एम्पावरिंग था मेरे लिए। तुम्हारी जर्नी तो थी, लेकिन ये भी जो तुमने शो के बारे में बताया है, मेरी पूरी कोशिश यही है कि जो लोगों को सुन नहीं रहा है, हम लोगों में से ही कोई ना कोई होगा जो सुनेगा, तो सोचा कि ऐसे ही मैंने लोगों को अप्रोच करना था और मैंने किया। आज ऐसी कंडीशन है, अच्छा खासा नाम हो रहा है शो का, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोग अपने आप अप्रोच करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम क्या हम लोग ये शो कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, आप बताइए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस पॉइंट है आज के तारीख में, तो ये जरूर मैं रखूंगी कंटिन्यूएशन में। और दूसरी चीज जो तुमने बोला रील एंड रियल शो, उसी के बारे में, हम लोग बहुत हो गया इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे सब अच्छा अच्छा एकदम एस्थेटिक एकदम खुशी खुशी वाला, थोड़ा सा रियलिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर बार अच्छा अच्छा दिखा के क्या कर ही क्या रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज द बेस्ट पॉइंट आई हैव लर्न फ्रॉम यू, एंड तुम्हारा जो एडवाइस था यूथ के लिए वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, लोग उसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, तुमने वो बात छेड़ी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी काफी कंफर्टेबल लग रहा है अभी, क्योंकि जब हिंदी में बात करते तो अलग ही फील आती है थोड़ा ग्राउंडेड लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई अपन है उस जगह पे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग, अभी जो मैंने फील किया 1 घंटे में, वो शायद कभी और किसी और के साथ ऐसे फील नहीं होगा बात करते समय, तो इट वॉज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कम्फर्ट जोन। थैंक यू सो मच तनिषा फॉर एवरी थिंग, हम लोग शायद आगे जाके फ्यूचर में कभी ना कभी बिल्कुल कुछ और बिल्कुल टॉपिक पे बिल्कुल बात करेंगे मे बी, लेकिन जरूर करेंगे। एंड तुम्हारे बुक्स कहाँ बुक पर अवेलेबल है जो वो थोड़ा है सा बता दो, अमेजोन मतलब पे आराम से लोगों को मिल अगर जाएंगी, लेना आपको रहा तो। सिर्फ मेरा नाम लिखना होगा, तो लाइन से मेरी सारी बुक्स आ जाएंगी जो भी मैंने पब्लिश की हैं, उनमें से आप कोई सी भी आराम से बाय कर सकते हो, वो ऑल टाइम अवेलेबल रहती है, आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होने वाली। तो
आराम से जाओ अमेजोन पे भागकर एंड जल्दी से पढ़ लो, एंड जी जैसे ही पढ़ लो तो उसका रिव्यू जरूर दे देना, मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है ना पुश। एंड सिंगिंग पेज तुम्हारा का नाम सिंगिंग है पेज के बारे तनुषा में बता दो स्टोन्स, एंड यूट्यूब उस पे। पर 1K से ऊपर मतलब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आई विश कि बहुत ज्यादा होते जाएं, क्योंकि जब फैमिली बढ़ती है सुनने के लिए तो और भी मजा आता है, एंड हम खुद को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। मेरी वीडियो क्वालिटीज भी जब देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस दिखेगा पहले से अब वाली वीडियोज में। तो आई वॉन्ट कि ज्यादा से ज्यादा तनिषा स्टोन्स को सुने, एंड मुझे ग्रो करने में उनकी मदद चाहिए, तो बस वो मदद कर दे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। और एक और चीज है, प्लस पॉइंट ऐसा है, तुम्हारे पीछे अभी एक काम लग जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी जर्नी से सीखेंगे तो सही, लेकिन उनको गाइडेंस चाहिए रहेगा, उनके अपने सवाल रहेंगे, तो वो कभी ना कभी तुमको मेरे शो के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं से इन्होंने कुछ देखा होगा, तो वो तुम्हें गाइडेंस के लिए सवाल पूछेंगे। तो उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, गिव देम दैट नॉलेज जो उन्हें जिस चीज की जरूरत है उस टाइम पे वो मिल जाएगी, तो शायद उनके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम निकाल बिल्कुल, लेना अपने मैं बिजी शेड्यूल सपोर्ट में से करने और के उनको लिए, थोड़ा गाइड सा करने के लिए गाइडेंस दे देना। हमेशा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, तो हाँ अगर मुझे वो मीटिंग फिर से मिल सकते हैं तो बिल्कुल वेलकम है, मेरा टाइम है। ऑसम, यही तो चाहिए। एक चेन बनाना है जिसमें हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस वजह से शायद किसी का टैलेंट वेस्ट भी नहीं होगा और कोई ऐसा भी नहीं सोचेगा कि यार मेरे पास तो काम धंधा कुछ है ही नहीं और मैं पैसे ही नहीं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। वो टाइम नहीं चाहिए। वी विल हैव दैट कनेक्टिविटी, दैट सर्कल थ्रू यू। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। शो काफी ग्रेटफुल है तुम्हें यहाँ पर लाकर। अमेजिंग टाइम तुम्हारे साथ सो बीता मच, है आज। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। बाय। See you. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑलवेज स्टेइंग कनेक्टेड एंड वॉचिंग आवर टॉक शो द लेजेंड टॉक्स। डू शेयर योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इफ यू फील दैट दिस पर्टिकुलर जर्नी रेजोनेट्स टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स फैमिलीज और रिलेटिव्स और हूएवर यू नो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर देम दिस लिंक। एंड फॉर गेटिंग मोर एंड मोर सच अमेजिंग वीडियोज एंड स्टोरीज ऑफ अमेजिंग पीपल लाइक दीज, यू नीड टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो टू गेट नोटिफाइड प्रेस द बेल आइकॉन ऑन एवरी सिंगल न्यू वीडियो दैट कम्स ऑन द यूट्यूब चैनल। Thank you so much, guys. See you next time. Let's know the end.